नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक और मतलब नई चीज वायरल होने लगी, एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसका नाम है थ्रो SRK टू पाकिस्तान, मतलब शाहरुख खान को पाकिस्तान फेंको। इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान कौन चला रहा है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। वैसे दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है सलमान खान के प्रशंसकों के द्वारा। सलमान खान जो कि शाहरुख खान के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और दोनों कलाकार एक दूसरों की फिल्मों में एक्सटेंडेड कैमियो करने जा रहे हैं। पठान फिल्म में शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान, उसमें सलमान खान का कैमियो होने वाला है। वहीं दोस्तों सलमान खान की आने वाली फिल्म Tiger 3 में शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। तो दोस्तों इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर लिया जा रहा है और दोनों ही फिल्मों की काफी हाइप मानी जा रही है और दोनों खान स्टार्स के लिए ये फिल्म जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि दोनों ही खान स्टार्स की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है और जिस प्रकार से बॉलीवुड की फिल्में एक के बाद एक लगातार फ्लॉप साबित हो रही है, तो दोनों ही खान स्टार एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। हालांकि आमिर खान को भी सहारा दिया था शाहरुख खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। तो दोस्तों ये खान स्टार आपस में एक दूसरे का सहयोग कर करके किसी भी प्रकार से मतलब अपनी जो इमेज है, अपना जो स्टारडम है, उसको बचाए रखना चाहते हैं। तो एक तरीके से तो ये सलमान खान तथा शाहरुख खान दोनों ही खान स्टार्स के प्रशंसकों के लिए कुछ सीखी बात होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पे उलझ जाती है तब जब इनके खान स्टार्स के जो प्रशंसक है, विशेषकर सलमान खान के प्रशंसक है, वो कतई ये नहीं चाहते कि शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म Tiger 3 में अपना कैमियो करे। क्यों नहीं चाहते है? उनका तर्क है कि शाहरुख खान जिस फिल्म में भी कैमियो करते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डिजास्टर साबित होती है। इसका एग्जांपल देते हुए वे कहते हैं रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, जिसमें आर माधवन प्रमुख भूमिका में थे, इतनी बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन चूंकि उसमें शाहरुख खान प्रमुख भूमिका में थे इसलिए वो फिल्म उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। वहीं दोस्तों इसके अलावा भी एग्जांपल देते हैं कि अभी जो आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई है लाल सिंह चड्ढा, उसमें भी शाहरुख खान का एक मिनट का कैमियो था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई है। तो दोस्तों शाहरुख खान के प्रशंसक ये नहीं चाहते कि सलमान खान की जो आने वाली फिल्म Tiger 3 है उसमें शाहरुख खान नजर आए, उनका कैमियो हो। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि शाहरुख खान को इस फिल्म से हटाया जाए, उनका कोई कैमियो वगैरह Tiger 3 में नहीं रखा जाए, वरना Tiger 3 का भी फ्लॉप होने का खतरा है, ऐसा वो कह रहे हैं और इस प्रकार का एक अभियान चला रहे है। साथ ही थ्रो SRK टू पाकिस्तान ऐसा अभियान भी चलाया जा रहा है कि शाहरुख खान की जो पाकिस्तान के जो लोग है या पाकिस्तान की जो मीडिया है या पाकिस्तान के जो कलाकार है उनके साथ कुछ ज्यादा ही सहानुभूति रहती है, इसलिए उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस तरह के मतलब अभियान भी सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस समाचार के बारे में, आप इस न्यूज के बारे में, आप इस खबर को किस प्रकार से लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।